हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आओ एक नया सा पॉजिटिव टॉपिक्स जो कि है ऑटोमेटिक जॉब सर्चिंग सिस्टम्स। फ्रेंड्स, इसमें अगर आपके जो जॉब्स है वो जॉब्स अगर हाइट वाइज कम ज़्यादा होते हैं तो उन्हें शॉर्टिंग्स किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक हमारा जॉब सेंस करने के लिए हमने LED लगा दिया हुआ है और LDR है। सो अगर जॉब का हाइट कम होता है तो डायरेक्टली वो आगे चला जाएगा और नीचे आ जाएगा इधर इस कन्वेयर बेल्ट से। अगर उसका हाइट ज़्यादा होता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से नीचे नाते हुए ये जो मोटर से ड्राइवर कर रही होगी। लेकिन अगर उसका हाइट कम हो गया तो ये जो आप देख रहे हो इससे नीचे धकेल दिया जाएगा प्लंजर के माध्यम से। चलो समझा लेते हैं इसके लगने वाले कंपोनेंट, जैसे कि ट्रांसफार्मर्स, पावर सप्लाई, देनो आपको लगेगा मोटर ड्राइवर IC, साथ में आपको लगेगा एक आर्डिनो बोर्ड, देनो आपको लगेगा ये आर्डिनो बोर्ड से जो भी कुछ है वो डिटेक्शन हो जाने के बाद में एक LED, LDR, DC मोटर, इस प्रकार के इसमें आपको सारे कंपोनेंट्स लगेंगे। और साथ में ही इसमें आपको ये जो दिख रहा है इस प्रकार का ये बॉडी स्ट्रक्चर्स वो लगेगा, और लगेगा एक ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इस प्रकार का प्लाय, और प्लाय के माध्यम से आप इसे ये सारा काम कर सकते हो। तो लो समझा लेते थोड़ा टेक्निकली डिटेल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हमने 230 वोल्ट AC दिया तो उसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका 12 वोल्ट AC करके इस ब्रिज रेक्टिफायर को लाया जाएगा। ब्रिज रेक्टिफायर में वो 12 और DC होने के बाद में उसको फिल्टर किया जाएगा, फिल्टर करने के बाद में वो दिया जाएगा आपके एक 7812 जैसे IC को। 7812 जैसा IC जो है उसे 12 वोल्ट में कॉन्स्टेंट 12 वोल्ट में रखेगा। देन नाउ आएगा आपको वाला एक डायरेक्टली आपके इस माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड्स को वहाँ पे जो आपका 12 वोल्ट आएगा वो माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड को समझने के बाद में माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड में लगा हुआ एक 7805 जैसा वोल्टेज रेगुलेटर उसमें 5 वोल्ट में बदल लेगा और वो 5 वोल्ट उसको कंटिन्यूस देते रहेगा। देन नाउ यहाँ पे अभी अगर आप जो भी जॉब यहाँ पे आने वाला है वो जॉब इस के माध्यम से एक्चुअली टेक किया जाएगा LDR और LED सर्किट के माध्यम से। और जैसे ही आपके जॉब्स अगर कम हाइट का होता है तो वो डायरेक्टली इधर आ जाएगा आगे। अगर उसका हाइट जो अब कम होता है तो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अभी मेरे तरफ से ये थोड़ा टिल्ट हो गया था तो वो जॉब डायरेक्टली आ जाएगा नीचे उसका हाइट अगर कम होता है तो। लेकिन जॉब का हाइट अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो जो ज़्यादा हाइट वाला जो जॉब है वो फिर से ये सेंसिंग एलिमेंट सेंस करेंगे और नीचे ढकल लेंगे। चलो देखते हैं इसका थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन। सो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे इसे शुरू कर दिया हुआ है। अभी कन्वेयर बेल्ट से ये हमारा जॉब आगे आगे आ रहा है क्योंकि इसका वाला हाइट कम था। अगर हाइट ज़्यादा है तो देखो ये जो प्लंजर है इस प्लंजर्स ने उसे नीचे ढकल दिया है। इस प्रकार से मैं आपको ये पूरा मॉडल बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये सारा समझ गया होगा।